शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में अल्लामा इकबाल के इस शेर ने सच ही कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शहीदों को जो दीदावर की संज्ञा दी गई है यहां पर अल्लामा इकबाल के द्वारा, जो पारखी थे इस देश को परखने में, इस देश की सेवा में जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए थे, उन सभी शहीदों को शौर्य भारत सच्चे दिल से नमन करता है। और इन्हीं शहीदों में शहीदी दिवस में सरदार भगत सिंह का नाम तो आज बच्चे बच्चे की जुबा पर है। सरदार भगत सिंह, जिनका जन्म बांगा पाकिस्तान में 28 सितंबर 1907 को हुआ था, इनके पिता सरदार किशन सिंह संधू, और वह माता जिसको गर्व होगा कि मैंने भगत सिंह जैसे पुत्र को जन्म दिया है, विद्यावती। भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस में जब अदालत में पेशी चल रही थी तो भगत सिंह ने कहा था, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, और मेरा उद्देश्य बम पिस्तौल की क्रांति लाना नहीं है, वरन हिंदुस्तान को पूरी आजादी दिलवाना है। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर गए थे 23 मार्च 1931 के उस दिन लाहौर के सेंट्रल जेल में। ऐसे शहीदों को शौर्य भारत की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन।